हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर कॉन्सेप्ट विच इज सेलन की फिल्टर टोपोलॉजी. सेलन की फिल्टर स्ट्रक्चर इज द जेनेरिक फिल्टर स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट सेकेंड ऑर्डर फिल्टर. इससे पहले हमने देखा था एक्टिव हाई पास, एक्टिव लो पास, एक्टिव बैंड पास और एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर्स. ओके, वो फर्स्ट ऑर्डर थे. ठीक है, ये जो है ना आपका सेलन की फिल्टर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है. ठीक है, अब इसमें देखें, ये इसकी जेनेरिक है फिगर जिसमें एक ओप एम्प लगा हुआ है. ठीक है, और चार आपके सामने रेजिस्टेंस शो हो रही है, इम्पिडेंस. इम्पिडेंस कहेंगे इसको हम Z1, Z2, Z3 और Z4. ठीक है, ये चार आपकी इम्पिडेंस है. अच्छा, अब इसका जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है, अच्छा अब वाई क्या होगा, Y1 क्या होगा, 1/Z1. Y2 क्या होगा, 1/Z2. Y3 1/Z3. Y4 क्या होगा, 1/Z4. अच्छा, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वी आउट ओवर वी इन इन दी एस डोमेन. एस डोमेन के अंदर, एस डोमेन में क्या होता है कि आर आर होता है, कैपेसिटर की जगह हम क्या लगाते हैं, 1/CS इंपेडेंस में, और इंडक्टर की जगह LS. और इंपेडेंस में उल्टा हो जाएगा कि कैपेसिटर में CS आ जाएगा, इंडक्टर में 1/LS हो जाएगा. ठीक है, इंपेडेंस में उल्टा हो जाएगा. वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई जेड. ठीक है, और अगर मैं उसमें इम्पिडेंस की फॉर्म में बात करूं तो वी इज इक्वल टू आई जेड, जेड को इधर ले आओ 1/Z, तो आई इज इक्वल टू वी वाई. ये ओम्स लॉ आपका होगा इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस. ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस. लेकिन अगर एडमिटेंस की फॉर्म में मैंने लेना है, वाई की फॉर्म में एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है, तो क्या होगा, 1/Z इधर आ जाएगा जो कि वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वी वाई. ठीक है, क्लियर हुआ. अच्छा, अब इसमें देखें, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जेनेरिक फॉर्मूला लिखा है, इसकी डेरिवेशन है, ये मैंने रजिस्टर पे करके यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दी है, y1 y2 over y1 y3 over y2 y4 plus y4 into y1 plus y3 plus y3 y1. तो yi इज इक्वल टू 1/Zi i 1, 4, यानी 1 से लेके 4 तक है, 1, 2, 3, 4. ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशंस आर ऑब्टेंड. अब इसमें वही करेंगे आप ओप एम्प का जो एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं कि आप कहते हैं वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव, और दूसरा आप क्या करते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, सिंपल उसी से ड्राइव होगा. ठीक है, ये जेनेरिक फार्मूला है. सवाल कोई भी आए एग्जाम के अंदर, अगर आपको नहीं उसका वो फार्मूला लग रहा डायरेक्ट, तो आप ड्राइव कर लें. ठीक है, तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को. अच्छा, अब इसमें देखें कि मुझे बताएं कि वी माइनस पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं, वी आउट. ठीक है, शॉर्ट है ना इसके साथ, तो वी प्लस पे भी क्या वोल्ट होंगे, वी आउट. अब ये नोड का तो वोल्टेज मुझे पता है वी आउट, ये भी पता है मुझे वी इन. अब ये जो सेंटर वाला, ये जो टी है, टी पॉइंट है, ये वाला स्टार पॉइंट, इसका नहीं मुझे पता वोल्टेज. इसको आप कह दें वी कह दें, कोई वोल्टेज वी एक्स कह लें. ठीक है, तो इस पर जब मैं लगाऊंगा किरचॉफ करंट लॉ, तो क्या होगा, वी इन माइनस दिस वोल्टेज, इसको वी एक्स कह ले, वी इन माइनस वी एक्स ओवर जी वन. ठीक है, प्लस वी आउट माइनस वी एक्स ओवर जी टू, प्लस वी नॉट माइनस वी एक्स ओवर जी थ्री इक्वल टू जीरो. सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इक्वल टू जीरो लगा लिया, वहां से एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी. अच्छा, अब एक इक्वेशन आपकी यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी बन जाएगी. यहाँ पे अगर हम लगाएं इस पॉइंट के ऊपर प्लस वाले पे, तो इस पे आ जाएगा वी एक्स माइनस वी नॉट ओवर जी थ्री इक्वल टू वी नॉट. वी नॉट मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह से, वी नॉट माइनस जीरो ओवर जी फोर. अब वो जो 1/Z4 है, उसको अगर मैं वाई फोर कह दूँ, तो सिंपल वाई फोर के साथ मैं सॉल्व कर लूँ, यानी 1/Z की जगह मैं y ले आता हूँ, तो मेरे लिए आसान सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो उस तरह फिर मैं ट्रांसफर फंक्शन को जब हल करूँगा दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास ये वाला ट्रांसफर फंक्शन बड़े आराम से निकल आएगा. ओके, ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे. अच्छा, ये इसमें देखें, ये है सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर है, तो इसमें क्या होगा कि आप देखें कैपेसिटर शंट पे लगा हुआ है, जो पॉजिटिव पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटर शंट पे लगा हुआ है, ये दो रेजिस्टेंस है और ये ऊपर एक कैपेसिटर है, तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर सर्किट, ये सॉल्व नहीं ना हो सकते कैपेसिटर्स. तो इसमें इसको चलें, इसको पुट करते हैं इस जेनेरिक फार्मूले में कि वाई वन क्या होगा इसमें. अब देखें वाई वन क्या होगा, 1/R1. वाई टू क्या होगा, C2S. वाई थ्री क्या होगा, 1/R3. और वाई फोर क्या होगा, C4S. ठीक है, C4S मैं क्या कह रहा हूँ, इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस है y, एडमिटेंस की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ना. तो इसमें देखें पुट कर रहा है 1/R1 R3, y1 y3,
ये देखें वाई वन वाई थ्री, वन ओवर आर वन आर थ्री, और ये देखें एस स्केयर वाई टू वाई फोर, वाई टू वाई फोर, तो ये आ जाएगा आपका सी टू इंटू सी फोर इंटू एस स्केयर, एस एस से जरब खा के, ठीक है, प्लस वाई फोर, वाई फोर इसमें क्या है, ये वाला वाई फोर है सी फोर एस, ठीक है, ब्रैकेट में वाई वन प्लस वाई थ्री, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर थ्री प्लस वाई वन वाई थ्री, वन ओवर आर वन इंटू आर थ्री, सही है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकला है इन एस डोमेन। अब एस में आपको पता है सिग्मा प्लस जी ओमेगा होता है, और सिग्मा हम जीरो लेते हैं फिल्टर डिजाइन के अंदर, हमने सिग्मा को क्या लेना है, जीरो, ठीक है, तो इसमें देखें ये भी बता रहा है जेड वन इज इक्वल टू आर वन, जेड टू इज इक्वल टू वन ओवर सी टू एस, जेड थ्री इज इक्वल टू आर थ्री, जेड फोर इज इक्वल टू वन ओवर सी फोर एस, तो वाई क्या होगा इसका इन्वर्ट्स, ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया, पहले मैंने इसको कह दिया वी वन वोल्टेज, इस 1.1 डिफाइन करके ना यहाँ पे इसको मैंने वी वन कह दिया है, और मैंने फिर उसके बाद इसकी पहले ये वन पे लगाया के वी एल, ये क्या हो जाएगा वी इन माइनस वी वन इंटू वाई वन, सही है, अब वन ओवर जी वन नहीं कर रहा मैं, इंटू वाई वन कर रहा हूँ, प्लस वी नॉट माइनस वी वन इंटू वाई टू प्लस वी नॉट माइनस वी वन इंटू वाई थ्री इक्वल टू जीरो, सही है, तो ये देखें सारा सर्किट है, सर्किट आ गया फिर इसके अंदर, तो ये इस तरह से आप एक इक्वेशन आप ये बन गई वी वन इज इक्वल टू दिस, और फिर केसीएल लगाए प्लस नोड के ऊपर, तो उससे आपने निकाल लिया वी वन इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो इससे आपका जो है वो बड़े आराम से कैंसिल हो आके ना, मतलब मल्टीप्लाई हो के कैंसिल वगैरह हो आके, तो ये सारा आपका जो है ना वी नॉट ओवर वी वन प्रूव हो जाता है वाई वन वाई थ्री ओवर वाई टू वाई फोर प्लस वाई फोर, ठीक है, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा अब हम हाई पास फिल्टर की बात करते हैं, तो शंट में क्या लग रही होती है, रेजिस्टेंस लग रही होती है, अब मुझे बताओ अब वाई वन क्या होगा सी वन एस, वाई टू क्या होगा वन ओवर आर टू, वाई थ्री क्या होगा सी थ्री एस, और वाई फोर क्या होगा वन ओवर आर फोर, तो वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकल आएगा, ठीक है, तो ये देखा हमने कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन इसका इस पूरे सर्किट का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है, अब आगे हम इसके डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें जो तीन मशहूर फिल्टर जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में वो होते हैं चेबीशेव फिल्टर, बटरवर्थ और बेसल फिल्टर्स, ये तीन फिल्टर्स हैं, बेसल से स्टार्ट करते हैं, बेसल ज़रा स्लगिश सा है लेकिन अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका ना, आप देखें इसमें इसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है बड़ा स्मूथ है, स्मूथली जाता है लेकिन है स्लगिश है, बहुत आगे जाके जिसको कहते हैं आगे जा रहा है, हमें फिल्टर ऐसे जो तो शार्प हो, शार्प, तो शार्प की दूसरी एक्सट्रीम है चेबीशेव फिल्टर, वो बड़ा शार्प है, देखें ठा करके नीचे लग रहा है, लेकिन इसमें इसका नुकसान क्या मिल गया हमें कि इसमें ऑसिलेशन आ जाती हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इसका ऑसिलेटरी है, ठीक है, बेसल सुस्त है, चेबीशेव ज़रा ज़्यादा मतलब स्मार्ट है लेकिन उसमें ऑसिलेशन है, तो इन दोनों के दरमियान का कौन सा फिल्टर है जो इन दोनों का बेस्ट फिल्टर फिर रहेगा हमारे दोनों के दरमियान का, वो है बटरवर्थ फिल्टर, कौन सा फिल्टर, बटरवर्थ, ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन हम कर रहे हैं, एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन, ओके। तो अब इसमें देखते हैं फॉर सिमिलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेडी स्टेट गेन्स एंड नंबर ऑफ पोल्स, बेसल फिल्टर, बेसल जो होता है स्मूथ होता है इसका रिस्पॉन्स बट स्लो रोल ऑफ है और रिड्यूसेस इन नॉन लीनियर फेज डिस्टॉर्शंस, बटरवर्थ फिल्टर इन बिटवीन होता है, हाई रोल होता है, मॉडरेट ऑसिलेशन, चेबीशेव फिल्टर का शार्पर रिस्पॉन्स है विद हाई रोल ऑफ बट विद द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज ट्रांजियंट ऑसिलेशन, इसमें ट्रांजियंट रिस्पॉन्स इसका इतना अच्छा नहीं, ऑसिलेशन आ जाती हैं आपके। अच्छा जी, तो अब इसमें कंपैरेटिव ट्रेड ऑफ ही है इनमें कि कौन सा यूज़ करना है ज़्यादा, हम बटरवर्थ करते हैं वही हम अभी डिज़ाइन करेंगे। इन टर्म्स ऑफ गेन डिस्क्रिमिनेशन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंप्रूव्स फ्रॉम द बेसल टू बटरवर्थ एंड इवन बेटर द चेबीशेव फिल्टर, इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज बेस्ट विद द बेसल फिल्टर एंड डिटेरियरेट्स विद द बटरवर्थ एंड मोर सो विद द चेबीशेव फिल्टर, ये तीन फिल्टर है मशहूर, चेबीशेव, बेसल और बटरवर्थ, तो बटरवर्थ क्या है वो इन बिटवीन है इन दोनों के, ठीक है। अच्छा, अब बटरवर्थ फिल्टर प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द रिपल प्रॉब्लम इन द पास बैंड। अच्छा जी, बटरवर्थ फिल्टर को हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे इसका ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं इसका जो वो जो रोल ऑफ है वो स्टीप होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, लेकिन इसका एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है, हायर ऑर्डर फिल्टर मीन्स मोर एक्सपेंसिव फिल्टर, ठीक है, तो ये मसला है। तो इसका डिज़ाइन हम देखते हैं बटरवर्थ फिल्टर में, अभी हमने देखा था एक ट्रांसफर फंक्शन जेनेरिक, उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, वहीं से आपके पोल निकलते हैं ट्रांसफर फंक्शन के, इक्वल टू जीरो करके ना, कि वो रूट्स जिस पे ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए उसको पोल कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम अभी नहीं पढ़ा, उसमें आप बड़ी डिटेल में ये पढ़ोगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है, वो तो
फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर अगर डिजाइन करना है तो उसमें 1 ओवर एस प्लस 1 रखोगे, सेकंड ऑर्डर करना है तो क्या रखोगे, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट 2 है, ये 1.4142 क्या है, अंडर रूट 2 एस प्लस 1, और अगर थर्ड ऑर्डर करना है तो एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ये थर्ड ऑर्डर, यानी वो जो जेनेरिक फिल्टर है वो जो फार्मूला है उसको इसके बराबर रख दोगे अगर तो ये डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे मिसलन हम अब सेकंड ऑर्डर का करते हैं डिज़ाइन फिल्टर, तो हम क्या करेंगे, जो जेनेरिक ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर था उसको इसके बराबर रख देंगे, तो आर एल सी की वैल्यूज निकाल लेंगे सिंपल, यानी एस केयर के कोफिशेंट को उसके साथ कंपेयर करेंगे, एस के कोफिशेंट को एस के साथ कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, आर एल सी की वैल्यूज आ जाएंगी। बड़ा आसान है ये, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेबीशेव का, अगर आपने उसे फिल्टर को चेबीशेव डिज़ाइन करना है तो आप इसके बराबर रखोगे फिर, ठीक है, डिनोमिनेटर को, ठीक है, ये उसका टेबल है, कौन सा फिल्टर आपने डिज़ाइन करना है ये उसका टेबल है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन करते हैं, बटरवर्थ फिल्टर का, सेलन की फिल्टर शोन इन द फिगर इज यूज टू फिल्टर एन इनपुट सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर है, देखें जो इंस्ट्रूमेंटेशन होगी ना उसमें ये चीज़ें सारी यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं सारी इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होती हैं, वहाँ ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। तो जो सिग्नल आता है ना आपके सेंसर से, वो बड़ा, पहली बात तो ये बड़ा वीक होता है, उसको एम्पलीफाई करना है आपने, नंबर एक एम्पलीफिकेशन आ जाएगी, तो वो एम्पलीफायर अभी हम पढ़ रहे हैं सारे। दूसरा उसमें नॉइज़ भी होती है, वो गंदा मंदा सिग्नल होता है, उसको साफ़ भी करना है हमने, ठीक है, तो साफ़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर, ओके, तो ये वहाँ यूज़ होते हैं। तो वो देखें, एस एल एन की फिल्टर इज़ यूज टू फिल्टर एन इनपुट सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर, ओके, जैसे लाइक थर्मोकपल हो सकती है या स्ट्रेन गेज हो सकती है, आगे हम सारी पढ़ेंगे ये चीज़ें, स्ट्रेन गेज है, थर्मोकपल है, आपकी आर टी डी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, फिर उसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आगे इंस्ट्रूमेंटेशन, जो मेन क्लाइमेक्स आपके कोर्सेज हैं डिग्री के, जो वन ऑफ द मेन कोर्सेज है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल है, ठीक है, ये दो आपके मेन कोर्स हैं, ठीक है, जो डिफाइन करेंगे आपको, ओके, और इसी पे जॉब इंशाल्लाह आपके होगी, और उसको सपोर्ट ये करता है, उसके बैक एंड पे ये है, क्योंकि तो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन में ये नॉलेज सारा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, ये देखें आपके सामने लिखा भी हुआ है। तो बट तो ये चीज़ें आप जो पढ़ रहे हैं ये ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली भी यूज़ हो रही हैं, ओके। What is the type and order of this filter? Type क्या है और order क्या है? Active high pass, active low pass है, order क्या है? Second order filter है, ठीक है। The transfer function of the filter, अब ये देखेंगे transfer function generic है, ठीक है, 1 over R2 C1 plus C2। अब अगर मैं इन coefficient को compare करके values निकाल लूँ इनकी कि वो उसके बराबर आए तो वो वाला filter बन जाएगा, ठीक है। तो द सेकंड और बटर विथ, अब सेकंड और बटर विथ फिल्टर अभी मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था, ये था एस केयर प्लस 1.4142, ये अंडर रूट 2 है एस, ये होता है, ये आपका बटर बर्थ फिल्टर है सेकंड ऑर्डर, उसका ऐसा ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो सेलन की है हमने उसको इस तरह का बनाना है, सही है, तो इस तरह से फिर हमारा सेलन की क्या बन जाएगा, एक बटर बर्थ फिल्टर में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यूज टू डिजाइन ए सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा, रेडियो यूनिट देखें आप, यूनिट अगर हर्ट्ज में है तो वो एफ है, अगर रेडियन पर सेकंड में तो वो ओमेगा है, ओके, तो ओमेगा है ये, ओमेगा कितना है, 10^3 1000 रेडियन पर सेकंड है, ये 1000 रेडियन पर सेकंड, और कैपेसिटर आपने कहा, उसने कहा कि भाई ये यूज करने हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं लेकिन अब उसने बाउंड कर दिया, अब आपने यही यूज़ करने हैं और को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। कैपेसिटर में हम ये वैल्यूज पुट करके R1 R2 की वैल्यूज निकालेंगे, तो जो R1 R2 की वैल्यूज हम डिज़ाइन करेंगे उससे हमारा फिल्टर डिज़ाइन हो जाएगा, आ गई समझ, डिज़ाइन यही है। तो C1 C2 1 माइक्रो के रखने हैं, उसके पास 1 माइक्रो है तो उसने दे दिया भाई ये 1 माइक्रो यूज़ करो। अब पहले मुझे ये बताओ ये फिल्टर हाई पास है या लो पास है, इसमें शंट में क्या लगा हुआ है, हाई पास है, और एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है क्योंकि ओप एम्प लगा हुआ है ना, तो दिस इज एन एक्टिव हाई पास फिल्टर, कौन सा ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर से, सेकंड सेलन की होती सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर आपका हाई पास फिल्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेलन की वाला। अच्छा अब इसमें आप देखें, अच्छा इसमें आप इसको अभी डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते, पता चले आप में से जो है इनोरेना कर दो इनोरेना, ये अभी नहीं हो सकता, क्यों मुझे बताइए, एक इसमें मसले अभी भी कंपैरिजन में, देखें वी आउट ओवर वी इन के फॉर्मूले पे गौर करें, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, और नीचे है स्क्वायर, नीचे नहीं है, इसलिए आप अभी कंपेयर नहीं कर सकते, आपको उसको खत्म करना है स्क्वायर को, तो उसका तरीका ये है कि आप ये जो एच ऑफ एस है उसके ऊपर एस स्क्वायर लेकर आए, तो एस की जगह आप पुट करते मेथड है ओमेगा ओवर एस,
एस इज इक्वल टू ओमेगा ओवर एस पुट कर दें इसके अंदर, तो वो जो बटे में एस होगा ना वो ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है। तो ये देखें ये उसका हाई एक्टिव हाई पास फिल्टर है, सेकंड ऑर्डर है ये, और सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर है, ठीक है। अब ये देखो वो क्या कर रहा है कि इसमें आप एस को रिप्लेस कर रहा है किसके साथ, ओमेगा सी ओवर एस। ओमेगा सी क्या है, 1000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा सी ओवर एस से कर रहा है, तो पहले इसको उस तरह का बना रहा है, ये देखें हाई पास फिल्टर का, ये उसको कन्वर्ट कर रहा है ओमेगा सी ओवर एस का होल स्केयर प्लस अंडर रूट टू ओमेगा सी ओवर एस प्लस वन। इसको सॉल्व कर लें आप, ओमेगा सी स्केयर आ जाएगा, एस स्केयर आ जाएगा अंडर रूट मंगसन, ये एस ऊपर चला जाएगा, एस स्केयर ओवर फिर इधर एस स्केयर आ जाएगा, एस स्केयर प्लस अंडर रूट टू ओमेगा सी एस प्लस ओमेगा सी स्केयर, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला ये। अब इसको इससे कंपेयर करें, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करें, ऑरेंज को ऑरेंज से करें, सिंपल इज दैट। अब कंपेरेबल है, नाउ यू कैन कंपेयर दोज। अब देखें अब इसमें एस स्केयर ये कॉफिशेंट है 1 1, इसको छोड़ दें, ये जो है 1 ओवर R2 इंटू C1 प्लस C2 ओवर C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ओमेगा सी, अंडर रूट 2 टाइम्स ओमेगा सी, ओमेगा सी को नहीं इग्नोर करना, ओके। और जो ये कॉन्स्टेंट है ये क्या आ रहा है, 1 ओवर R1 R2 C1 C2 इक्वल टू ओमेगा सी स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आप किसको सॉल्व करना चाहोगे, इस वाली को या इस वाली को, सी वन सी टू आपको पता है, आर वन आर टू निकालने पहले सेंटर वाले को करें ना, ताकि एक रेजिस्टेंस है एक निकाल लें, फिर वहां से जो रेजिस्टेंस निकलेगी उसको दूसरे में पुट कर दें, फिर दूसरे निकाल लें। अगर आप पहले वो कर दोगे तो आर वन आर टू आपको फिर एक एज्यूम करनी पड़ेगी ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप सेंटर वाले को कंपेयर कर लो, यानी 1 ओवर R2 C1 प्लस C2 ओवर C1 C2 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ओमेगा सी, ठीक है। तो ये देखें ये आपका आ गया, इसको कंपेयर किया अच्छा जी, ये देखें ये R2 निकाल रहा है इससे ना, R2 इससे कैलकुलेट किया C1 प्लस C2 ओवर C1 C2, ठीक है। बड़ा स्टेप बाय स्टेप इसने सॉल्व किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसमें सोल्यूशन है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं किया इसने, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के बाद। तो ये आपका R2 कितना आ रहा है, 1.414 किलो ओम, ये आपका R2 आ गया। अब आप इसको दूसरे फार्मूले में पुट करो, इसमें 1 ओवर R1 R2 C1 C2 इज इक्वल टू ओमेगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या निकाल, R2 निकला ना, यहाँ पे R1 निकाल लो, R1 इधर ले जाओ, ओमेगा सी स्क्वायर नीचे ले आओ, तो वहाँ से आपका R1 निकल आएगा। तो R1 ये देखो इसने निकाला होगा कितना, 0.707 किलो ओम। तो 0.707 किलो ओम R1 और R2 1.414 किलो ओम यूज़ करें, और 1 माइक्रो कैपेसिटर लगाएंगे, तो आपका एक कौन सा फिल्टर डिज़ाइन हो गया, बटरवर्थ। तो ये आपने जो है वो सेकेंड ऑर्डर एक्टिव हाई पास बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन करना सीख लिया आपने, ठीक है। इतना मुश्किल तो नहीं था, आसान ही था, कोई ऐसा मसला तो नहीं, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जी, अगला कॉन्सेप्ट ये देखें, अब फिल्टर में ना कैस्केडिंग होती है, कैस्केडिंग ये हम पढ़ेंगे अभी, मैं कैस्केडिंग में सीरीज में जोड़ना, कैस्केडिंग में गेन मल्टीप्लाई होती है ना। तो इसमें फिल्टर में क्या होगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, एक सेकंड ऑर्डर, उन दोनों को आप कैस्केड में कर दें तो वो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, उसे नीचे आ जाएं, सेकंड ऑर्डर को कैस्केड में कर दें वो फोर्थ ऑर्डर बन जाएगा, ओके। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड वो फिफ्थ ऑर्डर बन जाएगा, सेकंड सिक्स्थ ऑर्डर बन जाएगा, हायर ऑर्डर फिल्टर। एक्सपेंसिव भी हो रहा है क्योंकि फिल्टर कैस्केड हो रहा है तो फ्री में तो नहीं आएगा ना, एक्सपेंसिव होता जा रहा है लेकिन अच्छा भी होता जा रहा है, वो मैंने ग्राफ आपको शुरू में अभी से पहले दिखाया था ना, अच्छा भी होता जा रहा है। तो अच्छा ये तो था जनाब फिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, क्या था कि ट्रांसड्यूसर से जो इनपुट आती है उसमें क्या होता है, एक तो वो वीक होती है, हैं लार्वा टाइप, वो वीक सा सिग्नल है, उसमें गंदगी भी है, तो आपने ऐसे नहीं उसको पकड़ के एम्पलीफाई कर देना, पहले उसकी सफाई करनी है, उसको पॉलिश करना है साफ करके, फिर एम्पलीफायर को देना है ताकि नॉइज एम्पलीफाई ना हो। तो अब हम एम्पलीफायर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। जैसे एम्पलीफायर की बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक ओरिजिनल सिग्नल है, वो एम से जरब खा के वाई बन रहा है, ठीक है। अगर एम ग्रेटर देन वन है तो ये एम्पलीफायर है, जो कि एक्स एम से जरब खा के वाई क्या है, एक्स से बड़ा बन गया, एम्पलीफाई हो गया ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक सिग्नल है, अगर लाउड स्पीकर लगा लूंगा तो वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन। बफर क्या होगा कि उतना ही रहे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतने सिग्नल गेन वन हो जाएगा, अगर आपकी एम इज इक्वल टू वन हो जाए तो वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एम लेस देन वन हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो अटेन्यूएटर बन जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले कराई, क्या बन जाएगा, अटेन्यूएटर। यानी आप एक्स दे रहे हो 50, आउटपुट आ रही है 25,
वो हाफ की अटेनुएशन हो रही है उसमें, बात समझ रहे हो। तो ये एम्पलीफायर का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें देखें, ये जैसे ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है इसने, इसमें आई इन इनपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है, और इनपुट पावर क्या हो जाएगी, पी इन इज इक्वल टू पी इन आई इन, ये लगा हुआ है गेन एम्पलीफायर विद द गेन ए, तो ये आपका आउटपुट है आई आउट और वी आउट, ठीक है। तो अब वी आउट इज इक्वल टू ए इंटू वी इन, वो होगी वोल्टेज गेन, आई आउट इज इक्वल टू ए इंटू आई इन, वो होगी करंट गेन, करंट गेन सेपरेट होगी, वोल्टेज गेन सेपरेट होगी, सेपरेट होगी, और गेन रेशो में भी हो सकती है, डेसिबल्स में भी हो सकती है। वोल्टेज और करंट की जो गेन होगी वो 20 लॉग के साथ आप निकालोगे डीबीज के अंदर, पावर गेन आप 10 लॉग के साथ निकालोगे। मैंने आपको डेसिबल लास्ट लेक्चर में लेदर से पढ़ा दिए थे कि डेसिबल्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बातें डीबीज में चली जाती हैं, और डेसिबल से रेशो में जाना है या रेशो से डेसिबल में जाना है। डेसिबल से रेशो में कैसे जाओगे, अगर वोल्टेज वाला है तो उसको 20 से तकसीम करो और 10 की ताकत कर दो, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही है। और पावर वाला करना है तो उसको 10 से तकसीम करके फिर उसमें 10 की ताकत भी कर दो, तो वो आप नंबर में चले जाओगे, ओके। और डीबीज में क्या होता है, डीबीज में अगर 0 dB है इसका मतलब है बफर है, +dB है इसका मतलब है एम्पलीफायर है, -dB है का मतलब क्या है, एटेन्यूएटर है। क्यों, उसमें जब आप लॉग लेते हो तो लॉग 0 का तो मेरे ख्याल 1 ही होगा लॉग, तो नहीं 1 का लॉग 0 होगा, और जो पॉजिटिव नंबर होगा उसका जो लॉग पॉजिटिव आएगा, और मतलब ग्रेटर देन 1, और अगर लेस देन 1 नंबर है उसका लॉग नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर तो लॉग नेगेटिव आ रहा है डीबीज तो समझ जाओगे ये अटेन्युएशन हो रही है, अगर तो प्लस आ रहा है तो समझो क्या हो रही है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो क्लियर, डीबीज के अंदर हमने कैसे देखना है डेसिबल्स, ठीक है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्यों, जरब दिन जरब तकसीम करना जरा औखा काम है, डीबीज में सिर्फ जमा तफरीक होता है, ये आपको डीबीज की ना पूरा डिटेल में पिछले लेक्चर्स में बताया, आप उसको जाके रिवाइज कर लें अगर आपको ध्यान से नहीं है। तो एम्पलीफायर इज जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज वर्जन ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल, हाउ एवर नॉट ऑल एम्पलीफायर सर्किट्स आर द सेम एज दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सर्किट कॉन्फिगरेशन एंड मोड्स। इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स आर कॉमनली यूज डिवाइसेज, दे हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई रिलेटिवली स्मॉल इनपुट सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ सेंसर सच एज अ फोटो डिवाइस इन टू अ मच लार्जर आउटपुट सिग्नल टू ड्राइव अ रिले। एक रिले चलानी है उसके लिए मिली एम्प्स चाहिए, और आपको सेंसर से मिल रहे होते हैं बहुत कम करंट, मे बी माइक्रो के अंदर मिल रहे हो, तो यू नीड एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो लाउड स्पीकर वगैरह ये सारी एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे कोर्स में भी। देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्लासिफाइड एज एम्पलीफायर्स, फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स अप टू लार्ज स्केल सिग्नल एम्पलीफायर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिग्नल, लार्ज और स्मॉल, इट्स फिजिकल कॉन्फिगुरेशन, हाउ इट प्रोसेस द इनपुट सिग्नल एंड इट्स रिलेशनशिप, ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एम्पलीफायर क्या है, स्मॉल सिग्नल कॉमन एमिटर, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी, स्मॉल सिग्नल कॉमन एमिटर क्लास ए एम्पलीफायर डीसी, और लार्ज सिग्नल में कॉमन बेस क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी, कॉमन कलेक्टर क्लास ए बी रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्लास सी एम्पलीफायर, ये सारे हम आगे वन बाय वन ना डिस्कस करते हैं। तो एम्पलीफायर्स कैन बी थॉट ऑफ अ सिंपल बॉक्स और ब्लॉक कंटेनिंग द एम्पलीफिकेशन डिवाइस सच एज अ बाईपोलर BJT हो सकता है, FET हो सकता है, ओप एम्प हो सकता है, विच हैज़ टू इनपुट टर्मिनल्स टू आउटपुट टर्मिनल्स विद द आउटपुट सिग्नल बीइंग मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल एज इट हैज़ बीन एम्पलीफाइड। तो एम्पलीफाइड, और अगर अटेन्यूएटर है तो वो उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा होता है। एन आइडियल सिग्नल एम्पलीफायर विल हैव थ्री मेन प्रॉपर्टीज, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स एम्पलीफिकेशन गेन। ये मैंने आपको बता दिया, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, पूरा टेबल था उसका कि इसकी इनपुट कितनी रखनी है, आउटपुट कितनी रखनी है, वो सारा हमने किया हुआ डिस्कस। ये वही बातें हैं, थोड़ी सी ना रिपीट हो रही हैं। तो इसमें देखें, आपका ये एक ब्लॉक है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर अगर है तो आर इन मस्ट बी इन्फिनिटी एंड आर आउट मस्ट बी ज़ीरो, ऐसे ही है। तो ये जनाब आपका आगे चलते हैं, जो एम्पलीफायर डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज नोन एज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। गेन गेन क्या होती है, कोई नंबर होता है, और आप इसको डीबीज में भी निकाल सकते हैं डेसिबल्स के अंदर, ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखो वोल्टेज गेन होती है, करंट गेन होती है, पावर गेन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड विद एग्जांपल्स ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन्स आर ब्लू। अच्छा जी, अब इसमें देखें,
जैसे ये देखें इसमें आपका एक, अब इसमें वोल्टेज गेन क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज ऑब्वियसली ए बी, करंट गेन क्या होगी, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, ठीक है, बीटा, बीजेटी में बीटा होती नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं, पावर गेन ये चाहिए की हुई हैं चीज़ें हमने प्रैक्टिकली ना कुछ न्यूमेरिकल्स में भी, तो पावर गेन इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, सही है। अच्छा इसमें ज़रा दे रहे हो आप नंबर के अंदर, अगर डीबीज में होता तो जमा करना था आपने, ठीक है, तो इस तरह से है। आगे चलते हैं देखते हैं, लेकिन खैर इसमें ना थोड़ा सा एरर भी आ जाता है क्योंकि हम पावर गेन जो है ना ये ज़रा मतलब पावर गेन के हर गेन को आप अलहदा अलहदा सॉल्व करें, वोल्टेज गेन को जमा वोल्टेज गेन में करें, करंट गेन को करंट गेन में जमा करें, उसको पावर में ना जमा करें, पावर को पावर गेन के साथ ही जमा करें, क्योंकि इस तरह कैलकुलेशन में एरर आ सकता है। वो मैं आगे एग्जांपल आपको कराता हूँ, क्योंकि जो पावर गेन है हम 10 log करके करते हैं और वो 20 log के साथ ना, तो इसमें भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें डीबीज के अंदर बताया हुआ है कि 20 log AV, 20 log AI और 10 log AP, तो ये एक इसमें पॉइंट होता है -3 dB पॉइंट, वो क्या होता है कि वो पॉइंट जिस पे पावर हाफ रह जाती है या आपका वोल्टेज और करंट 70% रह जाता है, यानी 70% कम हो गया या वोल्टेज या करंट, ठीक है, और पावर में 50%, ठीक है, तो ये आपका जना इसको कहते हैं हाफ पावर पॉइंट, HPP हाफ पावर पॉइंट भी इसको कहते हैं, -3 dB पॉइंट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा नोट दैट द डीसी पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू द 10 times द कॉमन लॉग ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट रेशियो, वेयर एज द वोल्टेज एंड करंट गेन्स आर 20 times द कॉमन लॉग ऑफ द रेशियो, ठीक है, ये वही बातें बार बार कर रहा है। इसमें इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ना वो थ्योरी लिखी हुई है, तो ये कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें देखते हैं कि डिटरमिन द वोल्टेज करंट पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, अब ये ज़रा नोट करें, इनपुट इनपुट सिग्नल कौन सा है, 1 mV एट 10 mV, 1 mA इनपुट है, ये 1 mI in है, और वी इन कितना है, 10 mV, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, 10 mA एट 1 V, वी आउट कितना है, 1 V, तो वोल्टेज गेन क्या होगी, 1/10 mV, तो कितना बन जाएगा, 100, 100 की गेन आ जाएगी आपकी, 100 से ज़रब दे रहे हैं ना उसको, तो अच्छा, और करंट गेन क्या आ जाएगी, 10 mV/1 mV, 10 करंट गेन आपकी 10 की आ जाएगी, मिली मिली से कट जाएगा, तो ये देखें 100 की आपकी वोल्टेज गेन आ गई और 10 की आपकी आ गई करंट गेन, और पावर गेन दोनों को ज़रब दे दो कितनी की होगी, 100 ज़रब 10, 1000 की गेन है इसकी। अच्छा इसको डीबीज में निकालते हैं, अब ए वी कितना है, 20 log of 100, ये आएगा आपका 40 dB है इसका आंसर, कैलकुलेटर से भले कंफर्म कर लें इसको, और करंट गेन आपकी आ जाएगी 20 log AI, 20 log of 10, ये आपका 20 dB आ जाएगा, और पावर गेन क्या होगी, 10 log of AP, वो 30 dB आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 dB, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये देखें कि ऐसे नहीं करना कि पता चले जी सर ये देखें वोल्टेज गेन करंट गेन दोनों को जमा कर दें तो वो तो 60 हो जाएगा फिर, लेकिन एक्चुअल में तो 30 dB है, तो ये ज़रा इस तरह नहीं करना आपने, जब डीबीज में निकालना है तो अलग अलग निकालना है, और प्लस माइनस अपने अपने में अपनी नस्ल का जो है ना वोल्टेज को गेन को वोल्टेज गेन के नस्ल में आपने ऐड करना है, करंट गेन को करंट गेन में और पावर को पावर में, क्रॉस ना कीजिएगा उसे, एरर आ सकता है। हाँ अगर आप केयरफुली करेंगे फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट जस्ती फ़ौरन फ़ौरन करने की कोशिश करें फिर एरर आ सकता है। तो पावर गेन आपकी कितनी है, 30 dB बेसिकली, और वोल्टेज गेन कितनी है, 40 dB, और करंट गेन कितनी है, 20 dB। पावर एम्पलीफायर्स क्या होते हैं जी, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर इज जनरली रेफर टू एज वोल्टेज एम्पलीफायर बिकॉज दे यूजुअली कन्वर्ट स्मॉल इनपुट वोल्टेज टू मच लार्जर वोल्टेज, सम टाइम्स एन एम्पलीफायर सर्किट इज यूज्ड टू ड्राइव अ मोटर और लाउड स्पीकर, एंड फॉर दीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हाई स्विचिंग करंट्स आर नीडेड, तो पावर एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ती है, पावर एम्पलीफायर यानी लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स, इट इज यूज्ड टू डिलीवर द पावर टू द लोड एज वी नो अबाउट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट अप्लाई टू द लोड, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर क्या होंगे कि हाई पावर सिग्नल जो है वो उसमें उसमें वो यूज़ हो रहे हैं, यानी हाई पावर आउटपुट को ड्राइव करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसमें एम्पलीफिकेशन हाई है। अच्छा इसमें आगे हम देखते हैं एफिशिएंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एफिशिएंसी वैसे तो क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। अब एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी क्या हो गई, आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट को पावर दे रहा है वो तो आ जाएगी V²R करके, इनपुट क्या होगी, इनपुट होगी जो वो एनर्जी ले रहा है बैटरी से, देखें पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइडेड बाय पावर टेकन फ्रॉम दी सप्लाई, पावर टेकन फ्रॉम दी सप्लाई, सप्लाई से वो देखें एक सिग्नल वीक आता है उसको वो कैसे इतना बड़ा बना देता है, गुडोई को पूरा सांप कैसे बना रहे, वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी बैटरी से ले रहा है भाई, जो बैटरी लगाई हुई है वो है इनपुट,
तो एफिशिएंसी क्या होगी, पावर डिलीवर टू द लोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जब मैं करूँगा ना तो ये आपको ये उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी कैसे निकालनी है कि पावर डिलीवर टू द लोड, ठीक है, वो वी स्केयर ओवर आर से हम निकालेंगे आरएमएस के साथ, डिवाइडेड बाय क्या होगी जो सप्लाई से आप खींच रहे हो इनपुट, ठीक है, जो सप्लाई करंट जो सप्लाई से आ रहा होगा वो यहाँ पुट करना है आपको। तो आइडियल एम्पलीफायर क्या होता है, वी कैन स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर, ठीक है, गेन होगी, एम्पलीफायर गेन शुड बी कांस्टेंट फॉर वेरिंग वैल्यूज ऑफ द इनपुट सिग्नल, गेन इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी से अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, सिग्नल्स ऑफ ऑन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एम्पलीफाइड बाई एक्जैक्टली द सेम अमाउंट, द एम्पलीफायर्स गेन मस्ट नॉट एड नॉइज टू द आउटपुट सिग्नल, इट शुड रिमूव एनी नॉइज देयर एग्जिस्ट ऑलरेडी इनपुट, यानी नॉइज को एम्पलीफाई नहीं करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, दी एम्पलीफायर्स गेन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द चेंजेस इन टेम्परेचर, आपका जो एम्पलीफायर है उसमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंध में जाके करो तो वो और तरह चले, उसको आप कहीं गिलगित ले जाओ तो वहाँ और तरह चले, नो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी साल बाद, दो साल, तीन साल बाद थोड़ी सी इफेक्ट होगी, लेकिन आइडियली इट शुड रिमेन द सेम, डिग्रेडेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पता चले जी अभी नया लिया अभी इतनी गेंद दे रहा है साल बाद ठूस, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर क्लासेस क्या होती हैं जी, अभी हम देखते हैं जनाब, ये बायसिंग के जिक्र कर रहा है, बायसिंग हमने बड़ी डिटेल में हमने कर लिया हुआ इससे पहले ना, EDC के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं बायसिंग की, बायसिंग क्या होती है, क्यू पॉइंट को सेट करना, असल में ना यहाँ से एम्पलीफायर की क्लास डिफाइन होती है, क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट अगर सेंटर में होना उसको हम कहते हैं क्लास ए एम्पलीफायर, और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एम्पलीफायर होता है, बड़ी अच्छी आपको एम्पलीफिकेशन देता है, जैसी इनपुट वेव होती है उसका रेप्लिका प्रोड्यूस करता है आउटपुट पे, मैग्नीफाइड रेप्लिका, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, फेथफुल, एक और वर्ड पकड़े, फेथफुल मैग्नीफाइड रेप्लिका, फेथफुल मैग्नीफाइड रेप्लिका, ठीक है, वो देता है क्लास ए एम्पलीफायर। लेकिन फिर वो जो क्यू पॉइंट को रखना होता है ना उसके लिए वो ताकत भी चाहिए होती है भाई, वो एनर्जी चाहिए होती है, वो कहाँ से आती है, वो बैटरी से, वो जो खींच रहा है पावर वो है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत फजूल होती है, क्लास ए एम्पलीफायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन एफिशिएंसी फारिग है, महंगा है, ओके, बैटरी को बहुत वो चूस लेगा सारा, समझ रहे हो, तो उसके उसका फिर हल क्या निकाला था, उसको बायसिंग की जो एनर्जी उस पर लग रही है उसको जीरो कर दो, उससे क्या होगा वो क्यू पॉइंट नीचे आ जाता है आपकी बेस पे टच कर, नीचे आ जाता है बिल्कुल ना एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें इशू होता है कि फिर एक साइकिल हो पाता है अगला साइकिल नहीं हो पाता, अब अगले साइकिल का क्या करें भाई, तो उसमें फिर उसको पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं, किस में चलाते हैं, पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, क्लास बी एम्पलीफायर, लेकिन फिर उसमें भी एक इशू आ गया, उसमें फिर डिस्टॉर्शन आने शुरू हो गई, क्यों, तो अब वो जो क्यू पॉइंट है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यू पॉइंट जो है वो अगर आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा उठा लेते हैं, तो उस पर फिर थोड़ी सी बायसिंग ऐड करते हैं, उससे उसको कहते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, ये सारे के सारे एम्पलीफायर हैं। अब क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, इट हैज़ लो एफिशिएंसी, 25% ही नॉर्मली निकल रही होती है, लेस देन 40% बट गुड सिग्नल रिप्रोडक्शन एंड लीनियरिटी, अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी है लेकिन एफिशिएंसी फारिग है, महंगा है, अच्छा जी, क्लास बी एम्पलीफायर इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज क्लास ए एम्पलीफायर्स विद द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%, इसमें तकरीबन मिल जाती है थ्योरेटिकल, बिकॉज द एम्पलीफाइंग डिवाइस ओनली कंडक्ट्स एंड यूजेस पावर फॉर द हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, अच्छा जी, तीसरा क्या था इनका कॉम्प्रोमाइज था, क्लास ए बी, इट हैज एन एफिशिएंसी रेटिंग बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी बट पुअर सिग्नल रिप्रोडक्शन देन दी क्लास, क्लास ए से तो इसकी क्वालिटी कम ही होगी, ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखेंगे क्लास ए एम्पलीफायर है कि जिसमें आपने क्या किया, इसमें ये DC बायस पॉइंट ऐड कर दिया ICQ, ये जो लोड लाइन के सेंटर में आ गया ना आपका, ये वो चीज़ है, तो उससे हुआ क्या कि ये आपका जो सिग्नल है ना वो बड़ा प्यारा आपका जो है ना वो एम्पलीफाई हो रहा है, जो इनपुट सिग्नल है जो आउटपुट निकल रही है वो बिल्कुल उसकी तरह की फेथफुल रेप्लिका है उसका, ओके, अच्छा जी, क्लास बी में क्या हुआ जी, क्लास बी में वो बायसिंग ख़त्म कर दी उसने, जब बायसिंग ख़त्म की तो आधा साइकिल भी ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन आ जाएगी, आपकी वेवफॉर्म जो है ना क्लिप हो गई है इसके अंदर, ये यहाँ पे देखें ये आपका नेगेटिव क्लिपर बन गया ना, तो इसमें जो है, लेकिन अब इसमें भी मसला है, इसमें मसलन एक आप में एक ट्रांजिस्टर चला रहे हैं और इसमें दूसरा ट्रांजिस्टर चला रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको ना दो ट्रांजिस्टर लगाते हैं, इसमें दो लगाए होते हैं,
पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में, फिर ये जो इनपुट होते हैं ना वैसे ही आउटपुट मिलती है। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें वो 0.7 वोल्ट तंग करते हैं, फिर वो जो बेस मीटर के जो 0.7 वोल्ट हैं वो तंग करते हैं, देखें लिखा हुआ है, तो इसमें फिर उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आती है। तो उसके लिए फिर वो क्लास ए बी एम्पलीफायर बनाया, थोड़ा सा बायस इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, जिससे आपका जो सिग्नल था वो थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यूँ समझ लेंगे ये, इसको क्या कहेंगे, क्लास ए बी एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको, क्लास ए बी एम्पलीफायर इज अ कम्प्रोमाइज बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी कॉन्फ़िगरेशन, वाइल क्लास ए बी ऑपरेशन स्टिल यूजेस टू कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स इन इट्स आउटपुट स्टेज एज अ वेरी स्मॉल बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर टू बायस देम क्लोजली एंड इनपुट सिग्नल बिकॉज द ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट एन नॉर्मल विद इन द एक्टिव रीजन लिमिटिंग क्रॉस ओवर, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, वो जो जीरो क्रॉसिंग पे आ रही है ना वो 0.7 वोल्ट की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। तो विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लास बी कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल बायसिंग करंट विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर वेयर देर इज नो इनपुट सिग्नल प्रेजेंट, बट जनरली इट इज मच लेस दैन द क्लास ए एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, दस ईच ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग ऑन फॉर अ लिटिल मोर देन हाफ अ साइकिल ऑफ द इनपुट। तो कंडक्शन के हिसाब से बात करें कि अगर आपका पूरा सिग्नल कंडक्ट कर रहा है तो वो क्लास ए एम्पलीफायर है, अगर 180 डिग्री है तो वो क्लास बी है, और अगर 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है तो वो क्लास ए बी है, अगर 180 से कम है तो उसको हम क्लास सी कहते हैं, वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वेव फॉर्म की अकॉर्डिंगली वो हमने उसको क्लासिफाई किया होगा। अभी लोड लाइन्स के हिसाब से भी एक्सप्लेन करेगा ये। व्हेन डिजाइनिंग एम्पलीफायर सर्किट्स द क्लास ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन एज वेल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल इन विच द आउटपुट ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स एज वेल एज डिटरमाइनिंग बोथ द एफिशिएंसी एंड अमाउंट ऑफ पावर। तो क्लास ए की कंडक्शन कितनी है जी, 360 डिग्री है, बी की 180 है, लेस देन 90 है, अच्छा लेस देन 90 इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा ए बी की क्या है 180 टू 360 है। तो पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द लोड लाइन, बिल्कुल सेंटर में होगा, और 180 एग्जैक्टली ऑन दी एक्स एक्सिस होगा, और सी में क्या होगा बिलो दी एक्स एक्सिस होगा, और ए बी में क्या होगा इन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दी सेंटर लोड लाइन, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा एक्स एक्सिस। एफिशिएंसी क्या है, 25 से 30% है ए की, बी की 70 से 80% है, सी की 80% से भी ज़्यादा है, और जो ए बी एम्पलीफायर है उसकी ए से ज़्यादा है लेकिन बी से कम है 50 to 70% तक। सिग्नल के डिस्टॉर्शन ए में तो होती नहीं है, ठीक है, बहुत बेहतरीन सिग्नल रहता है आपका, और एट द एक्स एक्सिस क्रॉसओवर पॉइंट यहाँ पे होती है, क्यों होती है, वो डायोड फिनोमेनन की वजह से 0.7 वोल्ट, और सी में देखें लार्ज अमाउंट जो है वो इसमें सी में है, काफ़ी डिस्टॉर्शन है, और ए बी में ज़रा लेस है, ठीक है। तो बैडली डिजाइन एम्पलीफायर्स स्पेशली द क्लास ए टाइप्स में आल्सो रिक्वायर लार्जर पावर ट्रांजिस्टर्स, मोर एक्सपेंसिव हीट सिंक, कूलिंग फैंस एंड इवन, अच्छा ये भी देखें जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है ना वो बड़ा गर्म होता है, क्योंकि हर वक्त उसमें बायस का सिग्नल जा रहा होता है, वो हर वक्त की क्यू पॉइंट, यानी ऐसे ही जैसे हर वक्त तुम कम से लाए हुए, हर वक्त वो क्यू पॉइंट उसका सेंटर में बैठा है, वो हर वक्त पी रहा है आपकी एनर्जी, तो वो ज़रा हीट अप हो जाता है ज़रा, ठीक है। तो इंक्रीज इन द पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू डिलीवर द एक्स्ट्रा वेस्टेड पावर रिक्वायर्ड बाय द एम्पलीफायर, पावर कन्वर्टेड द हीट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर रेजिस्टर्स एंड कंपोनेंट्स फॉर दैट मैटर मेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनएफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई क्लास ए एम्पलीफायर इज एफिशिएंसी इज लेस देन 40% कंपेयर्ड टू क्लास बी दैट हाई एफिशिएंसी रेटिंग 70%। बेसिकली क्लास ए एम्पलीफायर गिव्स मच मोर लीनियर आउटपुट, मीनिंग दैट हैज लीनियरिटी ओवर लार्ज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ये देखें ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें ये देखें ये क्लास ए वाला सारा कंडक्ट करेगा 360 डिग्री, क्लास बी वाला 180 डिग्री, क्लास ए भी 180 से थोड़ा सा ऊपर है, और क्लास सी उसके हाफ साइकिल से भी कम है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन 90 इसने लिखा हुआ है। ये देखें ये डायग्राम बड़ी प्यारी है, देखो इसमें देखें ये पूरी की पूरी वेव को कर रहा है, ये पूरी तो 360 डिग्री है, और ए बी में जनाब आपकी इस तरह से हो रही है कंडक्शन, और बी में सिर्फ ये साइकिल है, और सी में उसका भी कम है, और आगे ये पी डब्ल्यू एम वाले होते हैं, जो पी डब्ल्यू एम जो होते हैं ना, पी डब्ल्यू एम ये वो वाले हैं डी से लेकर टी तक, जो ये आपके आते हैं ना एम्पलीफायर के क्लासेस, ठीक है। और क्लास ए जो है ये फुल एरिया ऑफ नो कंडक्शन, अब इसमें क्लास ए में सारे कंडक्ट कर रही है, क्लास ए बी में ये नहीं कंडक्ट कर रही, बाकी कंडक्ट कर रही है, क्लास बी में ये कंडक्ट कर रही है ये नहीं कर रही, क्लास सी में जिस थोड़ा सा कंडक्शन हो रही है। तो बेसिकली ये जो आपका हमने देखा कि जो क्लासेस ऑफ द एम्पलीफायर्स हैं, ये क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास
जो है वो ए क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी, ठीक है, वो कैसे बनी है ये देखें ज़रा। ये इसमें जो क्लास ए एम्पलीफायर, तो उसका मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्यू पॉइंट है वो हमने सेंटर में रखा होता है। ये देखें, ये लोड लाइन है ना आपकी, ये सेंटर में है, तो जैसा आपने इनपुट सिग्नल दिया वैसा ही उसका फेथफुल रेप्लिका प्रोड्यूस हो गया, कहीं से भी कटिंग नहीं हो रही आउटपुट सिग्नल की, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्यू पॉइंट को नीचे कर देंगे तो कटिंग शुरू हो जाती है, ओके। आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो उस तरह का नहीं डेवलप होता। तो ये देखें, ये क्लास बी है जो मैं आपको कह रहा था ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री लगाए होते हैं पुश पुल कन्फिग्रेशन के अंदर। तो ये देखें आपको पुश पुल के एक साइकिल में ये चलेगा, अगले साइकिल में ये चलेगा। जैसे ये इस साइकिल में ये चलेगा, इनपुट दिया आपने तो ये यहाँ से आपको आउटपुट होगी, और अगले साइकिल में यहाँ से आपको आउटपुट आएगी नीचे वाले से। और इसका जो क्यू पॉइंट कहाँ पे लग गया है, देखें एक्स एक्सिस पे टच कर गया, बायसिंग खत्म हो गई ना, बायसिंग के जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा खा रहे थे वो खत्म हो गई। अब ये भी एम्पलीफायर है, इसमें थोड़ा सा क्यू पॉइंट को उठा दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया उसने, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होगा कि अब इतना जो रीजन है यहाँ तक कंडक्ट कर जाएगा, इतना इतना पोर्शन ये कंडक्ट करेगा, बाकी क्लिप हो जाएगा आपका, सही है। तो ये जनाब आपका है, और क्लास सी जो है वो ये उससे भी नीचे जाके चला रहा है, ठीक है। तो ये यानी कि आपका सिर्फ इतना पोर्शन कंडक्ट करेगा, ये वाला बस, यानी इसमें ये बस ये वाला जो पोर्शन है, तो ये आपका क्लास सी। ये आगे हम फ्यूचर के लेक्चर्स में इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लास ए बी और ए बी एम्पलीफायर्स को हमने लोड लाइन के क्यू पॉइंट से कैसे एनालाइज करना है, और उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो कैसी आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।